अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि इस भाई साहब ने पूछा कि अगर इस्लाम में मर्द मर जाते हैं तो उसको दफनाया जाता है, जबकि हमारे हिंदू धर्म में उसको जलाया जाता है, तो जब कयामत होगी तो उस टाइम तो मुसलमानों को उठा लिया जाएगा और हिंदू को कैसे उठाएगा? तो इसके रिगार्डिंग डॉक्टर जाकिर नायक क्या कहते हैं, तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। मेरा नाम प्रणव नायक है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो, तो हम हिंदुओं का क्या होगा, क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी जिंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना, हिंदू बच्चे हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान है जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे, जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराफ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क्यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए। तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में का जिक्र है सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है, उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है? आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्डिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फैकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा, और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो या तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट, रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है, सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के बैक्सन जॉर्ज, कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर, पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही, भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूँ? भाई साहब नहीं नहीं, क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूँ? हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूँ? हाँ सर हूँ ना। हाँ। तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूँ? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है,
वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है सूरह माईदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि जाकिर भाई, जो गुजरात में हुआ, जो मुसलमानों के साथ जो गलत हुआ, जो मुसलमान औरत के साथ बलात्कार हुआ, अगर मैं होता तो मैं भी हिंदुओं को यहां चुन चुन के मारता था। तो जो मुसलमान हिंदू को अगर ट्रेन ब्लास्ट में कोई हिंदू मरा और मुसलमान ने किया, तो मेरे नजदीक सही है। ये हिंदू मुझसे कह रहा है कि मेरा जज्बा भी, अगर कोई मेरी बहन का बलात्कार करे तो मेरा जज्बा भी जागेगा और मैं बंबई में हिंदू का कत्ल करूंगा। कौन कह रहा है? हिंदू मुझसे कह रहा है। तो मैं उसको जवाब देता हूं, भाई साहब आप बिल्कुल सही कहते हैं, आम इंसान यही सोचेगा, आम इंसान यही सोचेगा, और आप आम इंसान जैसे सोच रहे, और सब पब्लिक में तालियां बज रही थी। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरा मजहब, मेरा कुरान, मेरा रब मुझे इजाजत नहीं देता है। अगर कोई हिंदू ने किसी मुसलमान का कत्ल किया है या कोई औरत का बलात्कार किया है, मैं वही मजहब के इंसान को बंबई में उसका कत्ल नहीं कर सकता हूं, यह इजाजत ही नहीं है। अगर मैं शायद मुसलमान नहीं होता तो मैं कहता था हाँ वो हिंदू से आप सही कह रहे हैं, मेरा मजहब मुझे इजाजत देता ही नहीं। ये आपकी इंसानियत जो कह रही है, मुसलमान होने के लिए इंसान होना फर्ज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊंचा है। क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, कितना भी जज्बा मुझ में होगा, लेकिन मैं मेरे रब, मेरे खालिक, मेरे अल्लाह सुबहाना व तआला के हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकता। जो शख्स ने कोई मुस्लिम औरत का बलात्कार किया, उसको पकड़ो और उसको पुलिस के हवाले करो, पकड़ के सजा दो। लेकिन दूसरे इंसान को वही मजहब के अगर मैं कत्ल करूंगा, ये बिल्कुल इस्लाम के खिलाफ है। आप सोचिए, हिंदू के रिश्तेदार सोचने लगेंगे ना, ये कैसा मुसलमान, कैसा इस्लाम मजहब है। मैं, मेरे भाई ने क्या गलती किया था कि उसका कत्ल हुआ? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप जो कह रहे इंसानियत का सबक जो कह रहे हैं, आप इंसानियत अच्छी चीज है, लेकिन इस्लाम इंसानियत से ऊपर है, इस्लाम इंसानियत से और ऊंचा है। और जब आप मजहब सीखेंगे तो कई चीज जो इंसान जज्बे से करता है जो गलत है, अगर आप सच्चे मजहबी है तो ये गलत नहीं कहेंगे, ये गलत काम कभी भी नहीं कहेंगे। जो लोग मजहब के नाम पे गलत काम करते हैं उनको दोषी ठहराइए, मैं आपके साथ हूं। लेकिन कहना कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं और जंग होती है, बिल्कुल गलत। मैं पूछना चाहता हूं, आप हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में पढ़िए अशोका, अशोका ने जब लाखों लोग का कत्ल किया, कौन से मजहब का था वो? कौन से मजहब का था? उसका मजहब ही नहीं था। जितने लोग अक्सर कत्ल करते वो नाम के लिए होंगे, क्रिश्चियन या बुद्धिस्ट या कोई मुस्लिम होगा, लेकिन वो मजहब को फॉलो ही नहीं करते। आप तारीख में देखिए, आप तारीख अगर देखेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि जितने कत्ल आज हो रहे हैं, जितने कत्ल आप देखते हैं कि ये कत्ल क्यों हो रहे, अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया? क्यों किया? मजहब के लिए क्यों किया? दुनिया जानती है, ओपन सीक्रेट, तेल के लिए। इराक में घुसी क्यों? मजहब के लिए। करोड़ों का कत्ल किया, क्यों किया?
मजहब के लिए, मजहब के नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये मजहब ही है, अगर सच्चा मजहब है, सही मजहब है, तो कभी भी नहीं सिखाता कि इंसानों में झगड़ा करना। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है, अगर गलत काम कर रहा है, जो शख्स गलती कर रहा है उसे पकड़ो, उसको सजा दो, मैं बिल्कुल उनके साथ हूं। लेकिन आम इंसानों में झगड़ा करना, फसाद पैदा करना, इस्लाम कभी भी नहीं सिखाता। ये इस्लामी मजहब है, इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है इस्लाम द सॉल्यूशन टू ह्यूमैनिटी, इस्लाम इंसानियत का हल। तो जो भी मुश्किलात इंसानियत में हैं आज की तारीख में, इसका हल सिर्फ सिर्फ इस्लाम में ही मिलेगा। आप मुझे बताओ, कुरान की कौन सी आयत कहती है कि बिना वजह किसी इंसान का कत्ल करना चाहिए? आप कुरान का हवाला दो, मैं आपकी बात को मान लूंगा। आप सिर्फ मीडिया के जरिए, जो मीडिया गलत फहमी फैला रही है इस्लाम के खिलाफ, उसकी बुनियाद पे कहने लगेंगे कि मजहब के वजह से ये दंगे फसाद होते हैं या मजहब के वजह से